वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी और मैं हूँ आपके साथ जिया। बंजारा गैंग पर एक बार फिर से कार्रवाई। थाना नौचंदी क्षेत्र में बना 3 मंजिला घर जिसकी कीमत 6,30,00,000 है, आज कोर्ट किया गया है। अब तक बंजारा गैंग की कुल 45 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। पुलिस के द्वारा बंजारा गैंग पर लगातार जब्ती की कार्यवाही जारी है। हाल ही में गैंग लीडर शमीम बंजारा की फलौदा स्थित 2 करोड़ की जमीन कुर्क की गई थी। गौतस्कर अकबर बंजारा और उसके कुख्यात सहयोगियों पर फलौदा थाना में कई मुकदमे दर्ज हैं। इस गैंग की कस्बे में गुंडागर्दी चलती थी। ये पूरा गैंग इंटरनेशनल गौतस्कर था। अकबर बंजारा और सलमान बंजारा दोनों 19 अप्रैल 2022 को पुलिस मुठभेड़ में हुए एनकाउंटर में मारे गए थे। एनकाउंटर के बाद से ही पुलिस लगातार इनकी अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई कर रही है। मवाना सीओ आशीष कुमार शर्मा ने दी यह जानकारी। सर, बंजारा ब्रदर्स पर आज क्या कार्रवाई हुई? बंजारा ब्रदर्स पर जैसे कि पहले भी कार्रवाई आप लोग जानते ही हैं, उसी क्रम में आज जो फलावदा में मुकदमा लिखा हुआ है उसी क्रम में कुछ संपत्तियां और चिन्हित की गई थी और एक संपत्ति यहाँ ये मकान एक इसका निकल के आया है जिसकी कीमत लगभग 6,30,00,000 रुपए है और 288 वर्ग मीटर में, उसको आज हम लोग कुर्क कर रहे हैं। एसएसपी रोहित सिंह साजवान से मिली यह जानकारी। सर, ये अकबर बंजारा के खिलाफ कार्रवाई आज हो रही है, ये पूरा क्या प्रकरण है और क्या कार्रवाई? अकबर बंजारा के विरुद्ध थाना फलावदा में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था पूर्व में, उसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी हुई थी और पिछले वर्ष में ये मुठभेड़ में आसाम में मारा भी गया था और इसकी जो पूरा गैंग है इस गैंग की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई प्रचलित चल रही है और इसमें आज 6,30,00,000 रुपये का जो एक 3 मंजिला मकान थाना नौचंदी के अंतर्गत स्थित है उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, जिसमें पुलिस और राजस्व की टीम वहाँ पर पहुंचकर इसकी जब्तीकरण से संबंधित जो कार्रवाई है उसको कर रही है और इस पूरे प्रकरण में एक गैंग भी पंजीकृत है और इसके जो अन्य गैंग मेंबर हैं उन सभी की भी संपत्ति भी कुर्क इसमें की जा रही है। सर, अभी तक पुलिस कितने करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है? इस पूरे प्रकरण में अभी तक 45 करोड़ से अधिक की संपत्ति जो है वो जब्त की जा चुकी है। सर, इसमें ये जो एक मामला है दोराला का जिसमें मनीष जगन अग्रवाल के खिलाफ एक मुकदमा 2014 में दर्ज है, ये पूरा क्या प्रकरण था, इसमें अभी तक क्या स्टेटस है? 2014 में एक मुकदमा धोखाधड़ी का और पैसे लेकर गैस एजेंसी दिलाने का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस पूरे मुकदमे में 2014 में जो मुकदमा दर्ज था 2015 में इसमें FR लगी थी और उसके बाद पुनर्वेशना होने पर पुनः इसमें FR 2016 में लगी थी जो न्यायालय को प्रेषित की जा चुकी है। न्यायालय में ये दाखिल है और इसमें जो कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।